भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। बुधवार को दोपहर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साक्षी मलिक रामायण टोल प्लाजा पर रुकी। इस दौरान उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की। साक्षी मलिक ने किसान नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें समर्थन दे ताकि बीजेपी सरकार को झुकाकर देश की बेटियों को न्याय मिल सके। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार अपने सांसद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो पीड़ित लड़की का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, क्या सरकार अपने सांसद का नार्को टेस्ट करवाएगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को WFI अध्यक्ष के खिलाफ 2 मामला दर्ज किया था, हालांकि अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। साक्षी मलिक ने कहा है कि खिलाड़ियों के बयान तो दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हमें भी नहीं पता कि यह धरना प्रदर्शन महीने चलेगा या सालों चलेगा। मलिक ने कहा है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का 1 महीना हो चुका है। महिला पहलवानों के आह्वान पर पूरे देश से लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। मलिक ने कहा कि आप सोच सकते होंगे कि बृजभूषण कितना पावरफुल सांसद है कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डर रही है। मलिक ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।